नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए स्पीड समान एथिन बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूं, उसमें आज पार्ट 28 है। इससे पहले मैं इसका 27 पार्ट बना चुका हूं, उस सब वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि नए नए नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो बिना समय बर्बाद किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट का पहला क्वेश्चन है, शारदीय ओलंपिक खेल 1924 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। शारदीय ओलंपिक खेल कब प्रारंभ हुआ था? 1924 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। डबल फॉल्ट शब्द का संबंध टेनिस से है। डबल फॉल्ट शब्द का संबंध किस खेल से है? टेनिस से है। अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय वियना में है। अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वियना में है। पौधे द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग नाइट्रेट के रूप में होता है। पौधे द्वारा नाइट्रोजन का उपयोग नाइट्रेट के रूप में होता है। हृदय रोग का मुख्य कारण कोलेस्ट्रॉल तत्व है। हृदय रोग का मुख्य कारण क्या है? कोलेस्ट्रॉल तत्व है। अम्ल आग्नेय शैल में सिलिका का प्रतिशत अधिक होता है। अम्ल आग्नेय शैल में किसका प्रतिशत अधिक होता है? सिलिका का प्रतिशत अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार में सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है। संसार में सबसे बड़ी खाड़ी क्या है? मैक्सिको की खाड़ी है। कांगो नदी की घाटी 4067 किलोमीटर लंबी है। कांगो नदी घाटी कितनी लंबी है? 4067 किलोमीटर लंबी है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्रोड कहलाती है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है? क्रोड कहलाती है। भारत सन 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। भारत कब संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना? 1945 ईस्वी में। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। पंचायती राज किस पर आधारित है? विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय सिख युद्ध लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। द्वितीय सिख युद्ध किसके समय में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1600 ईस्वी में हुआ था। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन लॉर्ड कॉर्नवालिस का है। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किसका है? लॉर्ड कॉर्नवालिस का है। प्राचीन भारत में नौसैनिक का सर्वप्रथम प्रयोग चोल ने किया था। प्राचीन भारत में नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? चोल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड्स है। प्रोटीन क्या है? एक पॉलीपेप्टाइड्स है। शीशे के सिक्के सातवाहन राजवंश ने गढ़े थे। शीशे के सिक्के किसने गढ़े थे? सातवाहन राजवंश ने गढ़ा था। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ हरिसेन के द्वारा लिखे गए। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ किसके द्वारा लिखे गए? हरिसेन के द्वारा लिखे गए। बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह बात वत्सबथ ने कहा था। बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह किसने कहा था? वर्डवर्थ ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दलहीन जनतंत्र की वकालत सबसे पहले एमएन रॉय ने की थी। भारत में दलहीन राजतंत्र की वकालत सबसे पहले किसने की थी? एमएन रॉय ने किया था। मतदाताओं को परिचय पत्र प्रदान करने की व्यवस्था 1975 ईस्वी के चुनाव कानून के संशोधन में की गई है। मतदाताओं को परिचय पत्र प्रदान करने की व्यवस्था कब की गई है? 1975 ईस्वी के चुनाव कानून के संशोधन में की गई है। संविधान के संशोधन में राज्यसभा और लोकसभा का अधिकार बराबर है। संविधान के संशोधन में किसका अधिकार बराबर है? राज्यसभा और लोकसभा का अधिकार बराबर है। स्टेट ड्यूटी एक प्रकार का राज्य कर है। स्टेट ड्यूटी कैसा कर है? एक प्रकार का राज्य कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी घाटी की स्थापना 1948 ईस्वी में की गई थी। दामोदर नदी घाटी की स्थापना कब की गई थी? 1948 ईस्वी में की गई थी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। कहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विचार को कार्यान्वित करने वाला पहला व्यक्ति जोसेफ स्टालिन था। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विचार को कार्यान्वित करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? जोसेफ स्टालिन था। स्वेज नहर भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को जानने वाला यंत्र हाइड्रोमीटर है। किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को जानने वाला यंत्र कौन है? हाइड्रोमीटर है। चंद्रमा पर सबसे पहले मानव रहित अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतरा था। चंद्रमा पर सबसे पहले मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन उतरा था? अपोलो 11 उतरा था। चीन की प्रसिद्ध दीवार की लंबाई लगभग 8,851 किलोमीटर 5,500 मील है। चीन की प्रसिद्ध दीवार की लंबाई लगभग कितना है? 8,851 किलोमीटर है, जो कि लगभग 5,500 मील के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है। किस देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है? मिस्र देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है। गैल्वेनाइज करने के लिए लोहे पर जस्ता की धातु की परत चढ़ाई जाती है। गैल्वेनाइज करने के लिए लोहे की परत पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? जस्ता धातु की परत चढ़ाई जाती है। डिगो गार्सिया हिंद महासागर का द्वीप है। डिगो गार्सिया किसका एक द्वीप है? हिंद महासागर का एक द्वीप है। सार्क सम्मेलन क्षेत्रीय सहयोग के उद्देश्य से आरंभ किया गया था। सार्क सम्मेलन किस उद्देश्य से आरंभ किया गया था? क्षेत्रीय सहयोग के उद्देश्य से आरंभ किया गया था। UNHCR संस्था शरणार्थियों से संबंधित है। UNHCR संस्था किससे संबंधित है? शरणार्थियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद तमिलनाडु एवं कर्नाटक राज्य से संबंधित है। कावेरी जल विवाद किस किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु एवं कर्नाटक राज्य से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रथम भारतीय न्यायाधीश नागेंद्र सिंह थे। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन था? नागेंद्र सिंह थे। कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। इक्तदारी व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था। इक्तदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था? इल्तुतमिश ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत्योदय का विचार जयप्रकाश नारायण ने दिया। अंत्योदय का विचार किसने दिया? जयप्रकाश नारायण ने दिया। भारतीय प्रशासनिक सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन में प्रारंभ हुई थी। भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल के प्रारंभ में प्रारंभ हुई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? फ्रांस का निवासी था। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अत्यधिक गरीबों का विकास है। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? अत्यधिक गरीबों का विकास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमावती कावेरी की सहायक नदी है। हेमावती किस नदी की सहायक नदी है? कावेरी की सहायक नदी है। होंगेकाल झरना कावेरी नदी पर स्थित है। होंगेकाल झरना किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है। पश्चिमी घाट सह्याद्री के नाम से जानी जाती है। पश्चिमी घाट किस नाम से जानी जाती है? सह्याद्री के नाम से जानी जाती है। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी को कालीकट पहुँचा था। वास्को डी गामा कब कालीकट पहुँचा था? 1498 ईस्वी को कालीकट पहुँचा था। बांग्लादेश ने स्वतंत्रता 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को हासिल किया था। बांग्लादेश ने स्वतंत्रता कब प्राप्त किया था? 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को हासिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव अंटार्कटिका भूखंड में स्थित है। पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव किस भूखंड में स्थित है? अंटार्कटिका भूखंड में स्थित है। सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध में तथा 21 जून दक्षिणी गोलार्ध में होता है। सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में कब होता है? 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में, तथा 21 जून का दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। होम्योपैथी का जन्म जर्मनी में हुआ था। होम्योपैथी का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। बटरफ्लाई शब्द का संबंध तैराकी से है। बटरफ्लाई शब्द का संबंध किस खेल से है? तैराकी से है। लिबर्टी की प्रतिमा न्यूयॉर्क नगर के निकट है। लिबर्टी की प्रतिमा कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क नगर के निकट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। क्रिकेट खेल में पॉपिंग क्रीज की माप 4 फीट होती है। क्रिकेट खेल में पॉपिंग क्रीज की माप कितनी होती है? 4 फुट होती है। रेबीज के इलाज की खोज लुईस पाश्चर ने किया था। रेबीज के इलाज की खोज किसने किया था? लुईस पाश्चर ने किया था। जल की कठोरता मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। जल की कठोरता किसके कारण होती है? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की कमी के कारण होती है, उपस्थिति के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन धातु बेल मेटल तांबा जस्ता और टीन की मिश्र धातु है। गन मेटल
बेल धातु किसका मिश्रण है? तांबा, जस्ता और टीन का मिश्र धातु है। परावर्तन के कारण सूखा बालू चमकीला तथा गीला बालू धूतहीन दिखाई देता है। किसके कारण सूखा बालू चमकीला तथा गीला बालू धूतहीन दिखाई देता है? परावर्तन के कारण ऐसा दिखाई देता है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? 1/81 है। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। आज की वीडियो में है महाराष्ट्र राज्य से संबंधित कुछ तत्व। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? मुंबई है। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? मुंबई है, जिसे भारत का वित्तीय राजधानी भी कहा जाता है। मुंबई को महाराष्ट्र में मुख्य भाषा मराठी बोली जाती है। महाराष्ट्र में मुख्य भाषा क्या बोली जाती है? मराठी। प्रमुख त्यौहार महाराष्ट्र में क्या है? शिवाजी उत्सव एवं गणेश चतुर्दशी। महाराष्ट्र के प्रमुख त्यौहार कौन सा है? शिवाजी उत्सव एवं गणेश चतुर्दशी। महाराष्ट्र का राजकीय पशु कौन है? गौर। महाराष्ट्र का राजकीय पशु कौन है? गौर। महाराष्ट्र का राजकीय पक्षी क्या है? धूसर वन मुर्गी। राजकीय पक्षी क्या है महाराष्ट्र का? धूसर वन मुर्गी। महाराष्ट्र का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। महाराष्ट्र का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। महाराष्ट्र का जिला कितना है? 36। महाराष्ट्र में जिला की संख्या कितनी है? 36। महाराष्ट्र में विधानमंडल कैसा है? द्विसदनात्मक। महाराष्ट्र में विधानसभा कैसा है? विधानमंडल कैसा है? द्विसदनात्मक है। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 288। महाराष्ट्र में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 288। महाराष्ट्र में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 48। महाराष्ट्र में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 48। महाराष्ट्र में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 19। महाराष्ट्र में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 19। महाराष्ट्र में पर्यटन स्थल कौन कौन से है? अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, कन्हेरी की गुफा, महाबलेश्वर, पालघाट पर्वतीय केंद्र, नासिक, शिरडी, साईं बाबा का जहाँ स्थान है, तनसा अभयारण्य, थाने, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान मुंबई, भारतीय मौसम वेधशाला पुणे, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्रॉम्बे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर मुंबई, तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट मुंबई, करेंसी प्रिंटिंग प्रेस नासिक रोड पुणे। प्रथम मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में कौन था? YV चौहान। महाराष्ट्र का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? YV चौहान। महाराष्ट्र के प्रथम राज्यपाल कौन था? श्री प्रकाश। महाराष्ट्र का प्रथम राज्यपाल कौन था? श्री प्रकाश। महाराष्ट्र का मुंबई को 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। किस शहर को 7 टापुओं का नगर कहा जाता है? मुंबई को 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। नेक्स्ट है, वर्ष 1995 में मुंबई का नाम बदलकर मुंबई कर दिया गया। कब बम्बई का नाम बदलकर मुंबई कर दिया गया? 1995 ईस्वी में। मुंबई बॉलीवुड को भारत का हॉलीवुड कहा जाता है। मुंबई जो कि बॉलीवुड को भारत का क्या कहा जाता है? हॉलीवुड कहा जाता है। देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सांता क्रूज मुंबई में है। देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सांता क्रूज मुंबई में है। जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला मुंबई तथा छोटा सिंधुदुर्ग है। जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला कौन है? मुंबई है तथा सबसे छोटा कौन है? सिंधुदुर्ग है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला अहमदनगर तथा छोटा मुंबई है। महाराष्ट्र में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन है? अहमदनगर है। और महाराष्ट्र का सबसे छोटा जिला कौन है? मुंबई नगर है। सह्याद्री, सतपुरा, बालाघाट तथा पश्चिमी घाट श्रृंखला महाराष्ट्र में स्थित है। सह्याद्री, सतपुरा, बालाघाट तथा पश्चिमी घाट श्रृंखला महाराष्ट्र में ही स्थित है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? मुंबई है। महाराष्ट्र का उच्च न्यायालय मुंबई में स्थित है। महाराष्ट्र का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ स्थित है? नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है, जिसका निर्माण 1911 ईस्वी में हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। इसका निर्माण कब हुआ था? 1911 ईस्वी में हुआ था।